अपनी दोस्त की मौत के सिलसिले में बहुत जल्द इस एक्ट्रेस को हो सकती है जेल। आइए जानते हैं आखिरकार कौन है वो एक्ट्रेस और क्या है ये पूरा मामला। याशिका आनंद एक तमिल एक्ट्रेस है जो पिछले साल अपनी कार दुर्घटना को लेकर सुर्खियों में थी। जुलाई 2022 में याशिका के साथ महाबलीपुरम के पास एक दुर्घटना हुई जहाँ उनके सबसे अच्छे दोस्त की भी मौके पर ही मौत हो गयी। बाद में अदालत में एक मामला दायर किया गया था और सुनवाई लंबित थी। अब मामले में ताज़ा अपडेट के मुताबिक अदालत ने याशिका के पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक याशिका आनंद को कुछ दिन पहले कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था लेकिन वह नहीं आई, लिहाजा कोर्ट ने एक्ट्रेस को दोबारा नोटिस भेज दिया है। अदालत ने कहा कि अगर याशिका 25 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं होती है तो उन्हें कार दुर्घटना मामले में पुलिस के गिरफ्तार किए जाने की संभावना होगी। इस घटना ने याशिका पर एक भयानक छाप छोड़ी क्योंकि उन्हें न केवल गंभीर चोटें आई बल्कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को खो भी दिया। एक्ट्रेस जिस एसयूवी को चला रही थी वो डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। यह दुर्घटना वाकई काफी भयानक रही। दुर्घटना के बाद वह 6 महीने से अधिक समय तक बेड रेस्ट पर थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि याशिका आनंद और उनके दोस्त नशे में थे। हालांकि उसने बाद में रिपोर्ट को बंद कर दिया और कहा कि पुलिस ने पुष्टि भी की है वह और उनके दोस्त बिल्कुल भी नशे में नहीं थे। अब ऐसे में इस मामले को जानने के बाद आपके क्या है रिएक्शन, हमें बताएं कमेंट करके।